हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज फिर मेरे साथ है नासिर दा। हेलो। वीडियो स्टार्ट होते ही मेरे को मिल गए थे, तो इनको मैं छोड़ना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मौका नहीं छोड़ना चाहते नासिर दा से बात करने का, क्योंकि नासिर दा आपको सब लोग काफी पसंद करते हैं। ये तो थैंक्स है अदिति, आपके फैन लोग मुझे भी पसंद करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, ऐसा नहीं। थैंक यू। और देखिए, मैं कुछ दिनों के लिए नैनीताल में नहीं हूँ, लेकिन नैनीताल की जो जानकारी आज की है वो नासिर दा थोड़ा सा देना चाहेंगे आप। आज मैं इस समय अदिति शाम का समय 7:30 तो बज रहे हैं जी, और इस समय हमारे मलिताल बाजार में इस समय काफी टूरिस्टों की जो है अच्छी खासी चहल पहल हो रही है जी, और आप देख सकते हो, आप दिखाना अभी नीचे की साइड, तो काफी अच्छा चहल पहल हो रही है। और फिलहाल हमारे मलिताल बाजार में भी अब जो है टूरिस्टों की रौनक बढ़ने लगी है, काफी टूरिस्ट जो है शायद आप लोगों के ब्लॉग के वजह से या ये हमारे जो डीएम ने यहाँ जो भी सौंदर्यीकरण कराया उसके वजह से यहाँ टूरिस्ट भी जो है अब ये मलिताल बाजार में लोकल मार्केट में भी आने लगे हैं, और जो भी हैं वो उनको जरूर नैनीताल जब घूमते हैं तो यहाँ की लोकल मार्केट को उनको जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको एक तो लोकल कल्चर देखने को मिलता है और थोड़ा यहाँ की लोकलिटी देखने को मिलती है, और काफ़ी लोकल प्रोडक्ट यहाँ हमारे बाजार में मिलते हैं, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो यहाँ उनको देखने को मिल सकती है। बड़ी अच्छी तो आपने बात बताई। और एक चीज़ और, लोग आजकल पूछ रहे हैं होटल्स के जो रेट्स हैं उसके बारे में, तो आजकल तो वैसे भी रेट्स थोड़ा सा ज़्यादा ही रहते हैं। हाँ अदिति, वैसे तो अभी तो सीजन इतना बहुत नैनीताल में समय बिल्कुल पैक जैसा तो नहीं हो रहा, बट लेकिन अभी थोड़े रेट हैं मतलब हाई, लेकिन थोड़ा मोल भाव करके रेट रीजनेबल रेट में रूम यहाँ मिल जाएंगे। अभी इतना मतलब इतनी ज़्यादा अफरा तफरी अभी इस समय तो नहीं है, क्योंकि अब आने 20 तारीख के बाद जो है सीजन काफ़ी बढ़ेगा, तो तब शायद होटल लेने में काफ़ी परेशानी होती है, तो इसलिए आप लोग पहले से बुकिंग करके जरूर आए नैनीताल में और काफ़ी एंजॉय करें, ऐसा नहीं है, मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, ये है मल्लीताल का खड़ी मार्केट, यानी खड़ी बाज़ार जिसे बोलते हैं, और ये हमारी बड़ी पुरानी मार्केट है, लेकिन अभी इसका सौंदर्यीकरण जो हुआ है उसके बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगी है। तो ये जो लाइट्स हैं और जो पहाड़ी कल्चर यहाँ पे दिखाया गया, उससे बड़ी ही चहल पहल और रौनक सी हो गई है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगने लगा ये मार्केट। तो आप देख सकते हैं मार्केट बड़ी खूबसूरत सी, और लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए भी आते हैं, तो सेल्फी लेते हुए काफ़ी लोग यहाँ पे पाए जाएंगे। तो चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं आपको नीचे से। तो फ्रेंड्स, आज मुझसे किसी ने पूछा था वेज रेस्टोरेंट के बारे में, तो ये है नेगी रेस्टोरेंट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। प्योर वेज यहाँ पे खाना मिलता है, और साथ में आपको यहाँ पे आसपास पहाड़ी कल्चर भी देखने को मिलेगा, तो इस रेस्टोरेंट को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है खड़ी बाज़ार नैनीताल में। तो देखिए नीचे से कुछ ऐसा दिखता है खड़ी बाज़ार का व्यू, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। तो यहाँ पे मुझे अभी ऊपर भी काफ़ी लोग दिख रहे थे सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ लेते हुए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक सा मार्केट लगता है ये, और साथ में पहाड़ी कल्चर को लेकर के बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पे कुछ फ्लावर्स और प्लांटेशंस भी किया गया है, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी सी। तो ये है इस टाइम का खड़ी बाज़ार, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पे भी एक मार्केट टाइप है, छोटा सा मिनी चांदनी चौक आप कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉनवेज वेज आइटम्स सब मिलते हैं, और ख़ास तौर पे बिरयानी और नॉनवेज यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं वो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं नॉनवेज को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है कुछ कैंडल लाइटिंग वाला प्रोग्राम बुद्धिस्ट लोगों का, तो ये किसके उपलक्ष्य में है इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे था टिबेटन्स का कैंडल मार्च टाइप का कुछ तिब्बत के ही लिए, तो अभी अभी वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं आई थी उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए सामने यहाँ पे लगा हुआ है वेलकम टू टिबेटन मार्केट, और इसमें आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी फुनचिन लामा, तो ये इन्हीं के लिए था। इनको मुझे लगता है कुछ हिरासत में ले लिया गया था चाइना के द्वारा, तो चाइना से उनको छुड़ाने के लिए ये हर बार ऐसे मार्च करते हैं। और ये बड़ी एकता है यहाँ पे, देखिए सबकी दुकानें यहाँ पे बंद दिखाई देंगी आपको, टिबेटन मार्केट पूरी क्लोज है। तो मंदिर में अभी अभी आरती ख़त्म हुई है, और आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आज चहल पहल दिखाई दे रही है, खूब ढेर सारे भक्त लोग मंदिर में हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़। और ये है हमारा मुख्य मंदिर, जैसा कि मैं रोज़ ही आपको दिखाती हूँ मुख्य मंदिर, और इधर हनुमान जी। तो मंदिर के अंदर मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, लेकिन
आप देखिए सामने का व्यू बड़ा सुंदर आ रहा है लेक वाला। मैं थोड़ा सा मंदिर की बैक साइड पे आई थी आप लोग को व्यू दिखाने के लिए। तो देखिए बड़ा सुंदर मंदिर लग रहा है और साथ में लेक में जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बड़ा सुंदर सा है। तो ये जगह वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। तो थोड़ी देर यहाँ पे आई थी मैं और आपको व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन तक नैनीताल में नहीं हूँ, तो इसके बाद ये नज़ारे आपको कुछ दिन बाद ही देखने को मिलेंगे और मुझे भी। तो देखिए नैनीताल की शाम आज, अब इसके बाद काफ़ी दिनों के बाद मैं भी देख पाऊँगी और आप लोगों को भी दिखा पाऊँगी। तो देखिए सुंदर से रिफ्लेक्शंस लेक में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये है हमारा शाम का नैनीताल, जो कि बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगता है। सामने है पहाड़ियों पे लाइट जली हुई घरों की। तो ये टाइम वैसे भी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा होता है और इस टाइम मंदिर की बैक साइड में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो देखिए मंदिर से गुरुद्वारे की तरफ आ गई थी मैं और इस टाइम पे हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो ज़्यादा ठंडक भी नहीं है हवा में, आज बड़ी अच्छी सी हवा लग रही है। और साथ में आप देख सकते हैं फ्लर मार्केट अभी भी लगी हुई है एज़ यूजुअल। तो आजकल इनका टाइमिंग थोड़े से बढ़ गए हैं क्योंकि थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, अब आगे आगे भीड़ बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है टाइमिंग भी बढ़ते ही रहेंगे। तो इस तरह का कुछ है नैनीताल का मौसम, दिन में धूप में काफ़ी गर्मी हो रही है, तो धूप में आपको गर्म कपड़े की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, धूप में काम चल जाएगा टी शर्ट या शर्ट में। और शाम के टाइम क्योंकि ऐसी हवा सी चलती है हल्की सी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको गर्म हल्का हल्का गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं भी है तो भी काम तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर बारिश वारिश पड़ जाती है तो फिर एकदम से ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप अपने साथ हल्का गर्म सा कुछ ले आएँ, जैसे जैकेट हो पतली या स्वेट शर्ट हो वो ले करके आएँ। और अगर बाय चांस नहीं लाते हैं तो यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाता है। और साथ में देखिए ऊपर लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो कुछ ऐसी भीड़ भाड़ है अभी नैनीताल में, बहुत ज़्यादा नहीं है तो अभी होटल्स के लिए मारामारी नहीं हो रही है फ़िलहाल, लेकिन अभी वीकेंड्स में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो प्रेफरेबल है कि आप अपने होटल्स की बुकिंग करवा के ही आएँ, और अगर बाय चांस नहीं करवाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। होटल्स मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा हाई रेट पे मिलेंगे। इस तरह का कुछ हो रहा है नैनीताल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी कुछ दिन तक मैं नैनीताल में नहीं हूँ तो नैनीताल के वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। मैं जा रही हूँ एक ट्रैक के लिए पिंडारी ग्लेशियर की तरफ, तो जो भी ट्रैक का वीडियो होगा और हिमालयस का जो व्यू होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगी। तो कल मैं पहुँचूँगी बागेश्वर, तो आपको थोड़ा सा बागेश्वर भी दिखाऊंगी, क्योंकि भोले बाबा की नगरी है और बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सी जगह है, छोटी सी प्यारी सी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को एंड करते हैं और नैनीताल के वीडियोस के साथ आपसे कुछ दिन के बाद मुलाकात होगी, और बाकी वीडियो के साथ आपसे हो सकता है कि शायद कल या परसों मुलाकात हो। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।